अब हम देखते हैं कि स्मार्ट आर्ट को कैसे यूज़ करना है। स्मार्ट आर्ट को यूज़ करने के लिए हम जैसे स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस आएगी। हम इसके अंदर लिस्ट बना सकते हैं, हम इसके अंदर प्रोसेस साइकिल इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कुछ भी, ये वर्टिकल प्रोसेस, या फिर हम ये साइकिल दिखा सकते हैं इस तरीके से कोई भी, या कोई हायरार्की, हमने कोई ट्री बनाना है तो वो हम इसमें शो कर सकते हैं। रिलेशनशिप हम इसमें शो कर सकते हैं। मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर हमने कुछ डाटा शो करना है तो वो सब शो कर सकते हैं हम इसके अंदर। पिरामिड बना के हम कोई डाटा हम शो करना चाहते हैं, कोई पिरामिड, तो ये हमारे स्मार्ट आर्ट्स हैं सारे के सारे। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का यूज़ करके हम कहीं पे भी कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हम साइकिल में गए, यहाँ पे क्लिक किया हमने, ओके का बटन दबाया हमने, तो इस तरीके से हमारे पास ये स्मार्ट आर्ट आ जाएगा। जो टेक्स्ट हमने टाइप करना है वो यहाँ टाइप करना है, ऑटोमेटिकली इट कम्स हियर। या फिर हम कर्सर को डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, जो भी हम यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं। लेट से ए, यहाँ पे हम कुछ बी, यहाँ पे हम कुछ और सी, और यहाँ पे हम डी, और यहाँ पे हम ई। और अभी ये जो हमने किया है इसके अंदर हम एक और ऐड शेप करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाके ऐड शेप पर बटन दबाएंगे, यहाँ पे एक और आ गया है हमारे पास। अब हम इसमें एफ ऐड कर सकते हैं, और शेप्स ऐड करनी है और ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है डिमोट की, ये हमने डिमोट कर दिया, ऐसे ही हम इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो ये प्रमोट डिमोट की भी ऑप्शन है। इसके अंदर हमारे पास लेआउट्स भी बहुत सारे गिवन है, ये हम ए बी सी डी इस तरह से हम कुछ भी कोई भी लेआउट्स भी डिफरेंट चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कलर्स के ऑप्शन भी मल्टीपल हैं, हम कलर्स भी डिफरेंट चूज़ कर सकते हैं अलग अलग शेप के लिए अलग अलग का। ये यहाँ से हम क्रॉस पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा चला जाएगा। यहाँ पे बाहर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा ड्राइंग ऑब्जेक्ट, ये इस तरीके से स्मार्ट आर्ट ऐड हो जाएगा हमारे ग्राफिक्स के अंदर। हम इस स्मार्ट आर्ट का ग्राफिक्स का साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। ये साइज़ एडजस्ट करने के बाद जो हमारा स्मार्ट आर्ट है इसके अंदर हमारे पास ये फॉर्मेट का यूज़ करते हुए हम बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास अलग अलग स्टाइल्स हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके वो भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं। ये सारा का सारा हमारा स्मार्ट आर्ट के अंदर हो रहा है। स्मार्ट आर्ट से जुड़ी हुई हमारी ऑप्शंस हैं सारी की सारी। ये जो डिज़ाइन वर्क है ये भी हमारा स्मार्ट आर्ट से रिलेटेड है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम 3D टाइप के स्मार्ट आर्ट्स वगैरह भी ले सकते हैं। बटन्स, 3D बटन्स बने हुए हैं हमारे पास इस प्रकार से, या फिर हम शेडो आउटलाइंस वगैरह या शेडो जो भी हमारे डॉक्यूमेंट को बेस्ट मैच करता हो वो हम इसमें डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। रीसेट ग्राफिक्स का बटन दबाएंगे तो बैकग्राउंड वापस से वही कलर आ जाएंगे। यहाँ से जाके हम कलर, मैंने आपको बताया था किस प्रकार से हम चेंज कर पा रहे हैं, यहाँ से कलरफुल जो भी हमें चाहिए जिस भी तरह से चाहिए वो हम चूज़ कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड आगे फिर फर्दर हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्मार्ट आर्ट। अब हम देखते हैं इसमें स्मार्ट आर्ट के बाद है चार्ट, चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे गए, चार्ट के हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स गिवन हैं, हम इसमें से कोई भी चार्ट ड्रॉ करना चाहते हैं। हम मान लीजिए ये कॉलम चार्ट ड्रॉ करना चाहते हैं, तो कॉलम चार्ट में ये चूज़ करके ओके करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक साइड में एक टेबल खुल जाएगी और यहाँ पे हमारे पास ये चार्ट ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जाके हमने चूज़ किया कि ये अमित कैटेगरी होगी, एक अमित का चार्ट है, ये हमने कह दिया विवेक का चार्ट है, ये हमने कह दिया मोहित का चार्ट है, ये हमने कह दिया कमल का चार्ट है। और यहाँ पे हमने नेम्स ले लिए बेसिकली, और यहाँ पे हमने ले लिए इंग्लिश, हिंदी, और ये मैथ्स के मार्क्स का चार्ट है। उसके बाद यहाँ पे जाके हमने इनके मार्क्स डाल दिए, हमने मार्क्स डाले 70, 80, 60, 70, फिर मैंने डाले यहाँ पे 40, 50, 60, 70, यहाँ पे डाले मैंने 80, 70, 90, 70। तो ये देख रहे हैं हम अमित का ग्राफ बन गया है, ये रवि का ग्राफ है, ये मोहित का है। इसी प्रकार से यहाँ पे इधर हम स्क्रॉल करेंगे, ये कमल का है, ये हमारे पास लेजेंड जा रहे हैं। इंग्लिश को ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदी को रेड कलर से, और मैथ्स को ग्रीन कलर से। इससे देखने पे हमें पता लग रहा है कि हमारे पास जो है मोहित के मार्क्स जो हैं मैथ्स में सबसे ज़्यादा हैं।
और इस प्रकार से अगर मेरे को इंग्लिश के सबसे हाईएस्ट मार्क्स देखने हैं तो रवि के सबसे ज़्यादा हैं, और हिंदी के देखने हैं तो हिंदी में कमल के सबसे ज़्यादा हैं हिंदी के मार्क्स। तो इस प्रकार से हम ये चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक्सेल शीट को बंद कर देंगे तो हमारे पास ये चार्ट हमारे पास आ जाएगा, और ये हम चार्ट यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जहाँ पे भी हमने इसको प्लेस करना है वहाँ प्लेस कर सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ फॉर्मेट ऑप्शन में जाके टेक्स्ट टाइपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं तो हम इस टेक्स्ट जिस शेप को उठा के कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, बेस्ट जो भी हम यहाँ पर भी लगाना चाहिए लगा सकते हैं। ये वाली जो है ये इसको हम अगर मूव नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए सेम वे है, फॉर्मेट में जाएँ इसको यहाँ पर ला के इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लेके आएँ और फिर इसके बाद इसको उठा के आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लाने से ये कहीं पे भी प्लेस किया जा सकता है। ये हमने अभी जो सीखा है वो है हमारे पास इंसर्ट टैब के अंदर स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट।